हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि अब ग्रो ऐप में फर्स्ट टाइम मोबाइल से बाय सेल कैसे करेंगे शेयर्स को। ठीक है, जो बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उनको ये नहीं पता कि फंड कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉ करते हैं, कैसे शेयर्स को सर्च करते हैं, कैसे शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो पर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, लाइव शेयर्स को बाय सेल करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने ग्रो का मोबाइल ऐप मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है। तो ग्रो का मोबाइल ऐप लॉगिन करने के बाद पे सबसे पहले हम देखते हैं कि फंड कैसे डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप एनी दिख रहा प्रोफाइल, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एड मनी, एड मनी का ऑप्शन आ रहा है, एड मनी पर आप क्लिक करिएगा। एड मनी पर क्लिक करने के बाद में आपको जितना भी अमाउंट डालना है, डालने के बाद में एड मनी पर आप क्लिक करिए। एड मनी पर क्लिक करने के बाद पे पेमेंट प्रोसेस पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं 100 रुपीज़ अभी डाल रहा हूँ। ये देखिए 320 रुपये मेरा था, अभी 300 के बाद में ये कितना 400 समथिंग कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पैसा डाल दिया, 100 रुपीज़ और डाल दिया। चलिए ऑन गोइंग पेमेंट, यू आर वेरीफाइंग योर पेमेंट, डन बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए टोटल फंड कितना दिखा रहा, अभी 469 दिखा रहा था। यहाँ पर कितना था, 369 था, अभी 469 दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको पैसा डालना है, पैसा डालने के बाद में विड्रॉ भी करना है। तो यहीं पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे आप विड्रॉ बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आज ही मैंने पैसा डाला है, इसलिए 69 दिखा रहा है विड्रॉ। तो ये आपका कल शो कर देगा, मॉर्निंग में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी आपको विड्रॉ करना है वो यहाँ पे दिखा देगा आपका। अब यहाँ से बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद पे सबसे पहले हम स्टॉक सर्च कैसे करना है ये देख लेते हैं। ये जो ऊपर जो सर्च बॉक्स आ रहा है ना, ये सर्च बॉक्स में आप क्लिक करिए और यहाँ पे जैसे कि मैं किसी भी स्टॉक को देखना चाहता हूँ, मान के चल लीजिए NTPC। ठीक है, NTPC मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए NTPC आ गया। NTPC पे क्लिक किया तो अभी देखिए NTPC कितना चल रहा है, 344 चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 345 हाई गया था और ये अभी 344 चल रहा है। तो इस तरीके से आपको जो भी स्टॉक को आपको सर्च करना है, सेल ले लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी ये 126 चल रहा है। अगर आपको और कोई स्टॉक लेना है, येस बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, SBI ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। ये देखिए कितना चल रहा है, करंट शेयर प्राइस 758 चल रहा है। ये जो चार्ट दिख रहा है आपका, वन मंथ का, वन डे का चल रहा है, वन मंथ का देखना है तो यहाँ से वन मंथ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए कंटिन्यू ऊपर गया है मंथली। लास्ट 5 ईयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैसा जा रहा है, अप एंड डाउन अपना पूरा ग्रोथ हो रहा है। अगर इसको आपको कैंडल में देखना है तो यहाँ पे आप कैंडल पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडल है, कैंडल पे दिखा देगा आपको। अगर आपको यहाँ पे चार्ट को फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ पे आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करिए। ये देखिए पूरा ये फुल स्क्रीन हो गया आपका, यहाँ से पूरा फुल स्क्रीन हो गया। अगर आपका SBI को बाय करना है तो डायरेक्ट आप यहीं से बाय और यहीं से सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं इससे पहले SBI लाइफ इंश्योरेंस, इससे और कोई स्टॉक देखता हूँ मैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पर मैं क्लिक। तो यहाँ पे देखिए जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, तो यहाँ पे अगर मेरे को इसको बाय करना है तो मैं जैसे यहाँ पे बाय बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, बाय बटन पे मेरे को यहाँ से क्लिक करना है तो यहाँ से मैं बाय बटन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक किया मैंने बाय बटन पे। अगर आपको चार्ट से भी क्लिक करना है ना तो चार्ट से भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप देखिए ये चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और नीचे जाओगे ना इसके तो ये पूरा इसका परफॉर्मेंस, 2 डेज लो, 52 वीक हाई, ओपन, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। न्यूज में अगर क्लिक करोगे तो इसका जो पूरा न्यूज आ रहा है, ये पूरा सेल से रिलेटेड पूरा न्यूज आपको आ जाएगा। इवेंट देखोगे तो इससे रिलेटेड पूरा इवेंट आ जाएगा, डिविडेंड कब कब है, बोर्ड मीटिंग, F&O, ये पूरा मतलब आप यहाँ से पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। स्टॉक का एनालाइज करना चाहते हो, देखिए देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है किसी भी स्टॉक में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में यहाँ पे आप जाइएगा और नीचे क्वार्टरली की जगह पे इसको आप यहाँ पे ईयरली कर लीजिए। ईयरली करेंगे देखिए 19, 20, 21, 22, 23 पूरा कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है इसका। प्रॉफिट पे क्लिक करिए, प्रॉफिट देखिए अप एंड डाउन है क्वार्टरली, ईयरली देखते हैं। चलिए ईयरली भी देखेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23 ये अप एंड डाउन है। तो मैं ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा मैं, बट इंटरडे ट्रेडिंग करना है तो मैं इंटरडे कर लूँगा, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। और नीचे जाएंगे तो कंपनी का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, प्रमोटर, रिटेलर, ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको मैं बाय करके दिखाता हूँ आपको। बाय करने के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से चार्ट दिख रहा है, चार्ट पे आप देखते रहिए। चार्ट पे देखेंगे तो एक कैंडल अभी देखिए 5 मिनट का लगा हुआ है,
ये कैंडल है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर लगाना था, आप यहाँ से आप इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी ये कैंडल जो बन रहा है ये 5-5 मिनट का एक टू कैंडल है, ये अभी कितना चल रहा है, 125-126 चल रहा है। अभी मेरे को इसको बाय करना है, तो यहाँ पे मैं बाय बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। बाय बटन पे क्लिक किया मैंने, बाय बटन पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे क्वांटिटी, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एक डाल देता हूँ, एक क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है। एक क्वांटिटी डालने के बाद में यहाँ पे मार्केट, मार्केट का मतलब ये है कि ये जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है ना 126.80, आप इसमें आप बाय करना चाहते हो तो आप मार्केट सिलेक्ट करोगे। अगर आप यहाँ पे मार्केट के जगह पे लिमिट डाल देते हो, मान के चल लीजिए 120 डाल देते हो, तो आप बोल ये बोल रहे हो कि मार्केट जब 120 में आएगा तब आपका ये बाय होगा, 126 से नीचे गिर के जब ये 120 में आएगा तब ही आपका बाय होगा। तब यहाँ पे चलिए इसको मैं बाय बटन पे क्लिक करता हूँ अभी, ठीक है, डन किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर अभी लगा नहीं है ना, ये ओपन है, पोजीशन में देखेंगे तो कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ है, ये ओपन है सेल का। क्यों ओपन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है 126.70 और आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, बोला कि 120 में जब आएगा मार्केट तब मेरे को खरीदना है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है, आप ये बोलते हैं कि मार्केट जब नीचे गिरेगा तब यहाँ पे मैं खरीदूंगा, तब ये सोच के आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो, लेकिन ये मार्केट अभी आया नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर लगा नहीं है अभी ये, ठीक है। तो अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसको आप क्लिक करिएगा, क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप मॉडिफाई पे क्लिक टच करिएगा, मॉडिफाई पे टच किया। अभी आप ये बोल रहे हैं कि 120 नहीं, मेरे को लग रहा है कि नहीं ये 123 तक नीचे गिरेगा, तो अभी ये 126 चल रहा है, 120 आप ये बोलिए कि 123 डाल दीजिए आप, अभी आप मॉडिफाई करके बाय करके डन कर दीजिए। अब क्या होगा, ये 126.80 से नीचे गिर के जब 123 आएगा, टच करेगा, तभी आपका बाय होगा, तभी आपका बाय नहीं होगा, अभी ये लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, 123 आएगा तब बाय होगा। तब अब आप क्या बोल रहे हो कि नहीं मेरे को मार्केट में लेना है, मार्केट में लेना है, तब आप क्या करेंगे, दोबारा इसको क्लिक करिए, यहाँ पे बाय एट मार्केट प्राइस दिख रहा है आपका, बाय एट मार्केट प्राइस, जैसे आप बाय एट मार्केट प्राइस पे क्लिक करेंगे तो ये जो जो प्राइस 126.80 चल रहा है इसी में मेरा मार्केट प्राइस में अब मेरा बाय हो जाएगा। तभी मैं ये ऑर्डर को मैं कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल और कर लेता हूँ, ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया। अब मैं नया ऑर्डर लगाऊंगा, मैं देख सकते हैं कोई ऑर्डर नहीं लगा है मेरा, अभी ओपन ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं लगा है सेल से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद तो सेल लिखता हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं बाय बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, चार्ट से दोनों आपके ऊपर है, कहाँ से भी आपको बाय करना है। तो मैं यहाँ से अभी मैं बाय बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक क्वांटिटी लिखता हूँ। अब मैं मार्केट में बाय करूंगा, मार्केट में ये जो चल रहा है 126.80, इसी प्राइस में मैं बाय करूंगा अभी मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ, मार्केट सिलेक्ट किया, मैंने लिमिट नहीं किया। अब मैं बाय बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, डन करता हूँ। अब आप देखेंगे तो मेरा एक ऑर्डर लग चुका है यहाँ पे, ठीक है, सेल का मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब यहाँ पे एग्जिट का देखिए, कलर देखिए, ये एग्जिट दिखा रहा है, और अभी देखिए मार्केट यहाँ पे 126.85 चल रहा है, और आपने लिया कितने में, 126.90 पे लिया आपने। अभी मेरे को इसको सेल करना, ऑर्डर पे देखेंगे, ये देखिए सेल का बाय ऑर्डर दिख रहा है आपको, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करूँगा, मेरे ना ये जो ऑर्डर जो सेल को लिया है ना मैंने, इसको मेरे को अभी मेरे को टारगेट लगाना, चलिए टारगेट लगाना है, एग्जिट बटन पे मैं क्लिक करूँगा। और टारगेट कितने में बेचना चाहते हो आप, 126.9 मान के चल लीजिए, आप बोल रहे हो कि मेरे को 130 में बेचना है, तो आप यहाँ पे मार्केट ना करके लिमिट कर दीजिए और यहाँ पे 130 कर दीजिए और यहाँ पे सेल बटन पे क्लिक कर दीजिए, डन कर दीजिए। अब आप देखेंगे ना, आपको ये जो ऑर्डर है वो आपका 130 में सेल होगा। अब यहाँ पे ऑर्डर पे देख रहे हैं, ये देखिए 126.90 में आपने खरीदा और आपने टारगेट लगाया 130 का, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मार्केट जब 130 को टच करेगा तब आपका ऑटोमेटिक सेल होना चाहिए, तब जाके आपका ये सेल होगा, अभी ये सेल नहीं होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे ये ऑर्डर को मैं कैंसिल कर देता हूँ, लिमिट ऑर्डर जो लगाया था ना इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सेल का जो ऑर्डर लगाया था लिमिट 130 में बिकेगा बोल के, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल बटन पे क्लिक किया, कैंसिल और कर दिया। अब मैं ये बोलता हूँ कि मेरा जो पोजीशन बना हुआ है ना ये सेल का, इसको मैं मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एग्जिट बटन पे क्लिक करूंगा, सेल जैसे ही करूंगा ना ये मार्केट में मेरा सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊं तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, देख फिर से दिखाता हूँ, सेल बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे एड स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको, स्टॉप लॉस में क्लिक किया करता हूँ, यहाँ पे कितना मैं स्टॉप लॉस लगाऊं, 123 में लगा देता हूँ, चलिए
सेल बटन पे क्लिक किया, मैंने डन कर दिया। अब मेरा इस टॉप लेफ्ट का ऑर्डर लग चुका है। मतलब ये है कि जितना भी आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है ना, 126.90 मार्केट में चल रहा है और ट्रिगर प्राइस 123। अगर ये मार्केट नीचे गिरेगा तो 123 में ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। मतलब कि अगर लॉस होगा आपको तो थोड़ा सा नहीं, 2000-3 रुपये का ही लॉस होगा, इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं टारगेट लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मार्केट में सेल करता हूँ। इसको मैं कैंसिल बटन पर क्लिक करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, और कैंसिल कर दिया मैंने, सभी रिक्वेस्ट मेरा कैंसिल हो गया। अब मैं पोजिशन पर जाता हूँ, पोजिशन पर जाने के बाद तो यहाँ पर सेल दिख रहा है, सेल बटन को मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं नीचे जो एग्जिट दिख रहा है, एग्जिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सेल बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सेल बटन पे क्लिक किया मैंने और डन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सेल में कितना दिखा रहा प्रॉफिट, 0.05 पैसे का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे कोई एग्जिट करने के लिए कोई पोजिशन नहीं है। ऑर्डर पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, ये ऐसे देख लीजिए, यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो कैश मार्केट में। जो भी लोग बिगनर्स हैं, ग्रो ऐप में यूज कर रहे हैं, ग्रो ऐप पे ट्रेडिंग करने नहीं आ रहा उनको, तो इस तरीके से वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो ऐप में आपको बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो देखिए मेरे चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं ना, तो उनको ये बता देता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने ये फ्री PDF बुक यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ये जिनको भी फ्री PDF बुक चाहिए देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न का पहचान का ये PDF बुक है। ये कट क्यों नहीं हो रहा यार, चार्ट पैटर्न का PDF बुक है ये, तो ये चार्ट पैटर्न का PDF बुक है। और दूसरा ये देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का PDF बुक है। तो ये PDF बुक को आपको यहाँ पे PDF बुक आपको फ्री में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में ना, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडलस्टिक और ये चार्ट पैटर्न, इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो लिंक को क्लिक करके जाइए और आप ये पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए। और मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ग्रो ऐप से रिलेटेड, तो ये आपको पूरे वीडियोज आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ये पूरे वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये ग्रो ऐप का जो प्लेलिस्ट है, यहाँ से आपको ग्रो ऐप का पूरा वीडियोज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए जरूर बताइए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको बना के दूंगा मैं। तो वीडियो में बस इतना ही। तो मेरे चैनल को आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।